हेलो एवरीवन, आज फिर से हम मैट्रिक्स के अगले चैप्टर में आपको हम प्रॉपरली बताने वाले हैं ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स के बारे में कि हमारा ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होता क्या है। तो चलिए इसका पहले हम डिफिनेशन लिख लेते हैं कि अ स्क्वेयर मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी ऑर्थोगोनल if a in your adjoint a plus a equals identity। कहने का मतलब कि हमारा कोई भी मैट्रिक्स अगर वो स्क्वेयर मैट्रिक्स है लाइक 1 1 1 1 लाइक विच इज कॉल्ड 2 cos 2 या फिर 1 1 1 1 2 3 4 5 6 3 cos 3 कोई भी ऐसा मैट्रिक्स जो स्क्वेयर मैट्रिक्स हो, इस मैट्रिक्स को हम ए नाम देते हैं। इसको हम ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स तब कहेंगे कि जब ये वाला मैट्रिक्स और इसका ट्रांसपोज, पिछले वीडियो में आपको बताया ट्रांसपोज कैसे निकालते हैं, जैसे कि कोई ए है हम इसका निकालते हैं क्योंकि इसमें चारों के चारों जो एलिमेंट्स हैं वो सब सेम है, कोई भी ऑर्थोगोनल करेंगे आप समझ नहीं पाएंगे। तो हम ए इनवर्स ज्ञात करते हैं, तो इसके पहले वाले रो को कॉलम में और सेकेंड वाले रो को सेकेंड कॉलम में, थर्ड वाले रो को थर्ड कॉलम में जब ट्रांसपोज करते हैं तो हमारा इसको हम बोलते हैं ट्रांसपोज निकल जाता है। तो इसका ट्रांसपोज जाएगा 1 1 1 1 2 3 4 5 6। तो अगर हमारा जो ट्रांसपोज है ये और जो हमारा गिवन मैट्रिक है इसके मल्टीपल अगर आइडेंटिटी आती है, यानी का मतलब 1 0 0 0 1 0 0 0 1 अगर आती है, इस कंडीशन को ये सेटिस्फाई करता है, देन वो हमारा मैट्रिक्स अपने आप में एक ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होता है। तो हम ये भी लिख सकते हैं कि कोई भी इफ ए इज एन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, अगर हमारा जो गिवन मैट्रिक्स अगर ये ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है, देन ए ट्रांसपोज एंड देन मल्टीपल ऑफ ए इज इक्वल्स टू आइडेंटिटी। मतलब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि ए ट्रांसपोज ए इक्वल्स आइडेंटिटी इक्वल्स हमारा ए ए ट्रांसपोज, मतलब जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे वो हमारा ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स अपने आप में होता है। तो चलिए इस ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स पे बेस्ड हमें क्वेश्चन दिखते हैं कि कैसे होता है हमारा ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। यहाँ पे दिख रहा है कि हमने एक मैट्रिक्स पहले से ले रखी है, चलिए हम इसको नाम देते हैं ए, देन विच इज कॉल्ड कॉस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा। अब हम इसका ट्रांसपोज फाइंड आउट करेंगे विच इज कॉल्ड ए डैश। देन अब देखिए हम इसको कॉलम को रो में कैसे चेंज करते हैं, कॉस थीटा यहाँ साइन थीटा है ना, इसको भी यहाँ पे अगर इसके दूसरे वाले पहले वाले कॉलम में रखते हैं साइन थीटा देन माइनस साइन थीटा एंड कॉस थीटा। सो अब हम फाइंड करेंगे ए ए ट्रांसपोज। अब हम लिख लेते हैं इस मैट्रिक्स को कॉस थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा। हम दोनों को अभी हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, इसका मॉडलिंग करेंगे, जानते हैं कि कॉस थीटा मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा ये आ जाएगा कॉस स्क्वेयर थीटा प्लस साइन स्क्वेयर थीटा 0 0 कॉस स्क्वेयर थीटा प्लस यहाँ पे प्लस होगा साइन स्क्वेयर थीटा विच इसका वैल्यू जाएगा 1 0 0 1 विच इज़ आई हेंस हम देख रहे हैं कि हमारे ये वाला मैट्रिक्स है ऑर्थोगोनल की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब ए ए ट्रांसपोज इक्वल्स आई। सो दिस इज द हमारा ये हो गया ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। सो थैंक।